Thanks for tuning into another episode of 3XP. And on this episode, we had Prasad, A plus Prasad, and he's an actor, an excellent writer, and a budding director as well. So he's currently pursuing his theaters. And on this episode, we talked about cinema, we talked about theaters, we talked about how important it is to stay grounded to your roots, and no doubt about his journey as well. So what are we waiting for? Let's dive in this Khasam Khas episode of 3XP. I'm Kunal Raj and you are listening to 3 Winers Express, Goa's first ever entertainment podcast. It is said when you have a positive mindset, work hard and वगैरह जो भी है, you can achieve a lot of things in your life. लेकिन अपने साथ आज प्रसाद है, तो इनका फॉर्मूला, इनका तरीका कुछ अलग ही है. सो मैं हूँ आपका होस्ट कुणाल राज, और हमारे साथ जैसे बताया आपको प्रसाद है, आप लाज प्रसाद. सो बिफोर वी स्टार्ट द पॉडकास्ट, व्हाई इज योर यूजर नेम आपलाज प्रसाद? लाइक हु कॉल्स यू दैट? आपलाज प्रसाद मतलब अपना प्रसाद. हाँ, सो ये मुझे कहा था मेरे सर ने, प्रशांत दामले, जो मराठी नाटक सृष्टि के जो सबसे बड़े सुपरस्टार है, अभी भी है, पहले भी थे, अभी भी है. तो मैं उनके यहाँ पे पढ़ा हूँ, थिएटर का जो बेसिक है मैंने वहीं पे कंप्लीट किया है. और एक बार रिहर्सल थी किसी सीन की, और फिर वो कह रहे थे कि प्रसाद कहाँ पे, प्रसाद कहाँ पे. तो दो तीन प्रसाद बैठे हुए थे, तो सर ने कहा, दूसरे सर ने कहा, क्या यहीं पे तो है? अरे नहीं नहीं, ये नहीं रही, वो किधर है, वो अरे आपलाज प्रसाद कुटे. तो फिर क्लिक हुआ फिर बाद में. एंड उसके बाद फिर मैंने ये सोचा भी कि प्रसाद जो होता है वो हर किसी का होता है, वो ऐसा नहीं है ना कि गरीबों को नहीं देना है, या फिर कोई उसमें कास्टिज्म नहीं होता है. प्रसाद नाम ही ऐसा है ना कि इस नाम से आपको पता नहीं चलता इसकी कास्ट क्या है. जैसे बहुत बार होता है कि लोग सर ने पूछते उससे, फिर अच्छा ये इस कास्ट का है, वो इस कास्ट का है, जैसे प्रसाद बोला, अच्छा ये क्या है ये, ऊपर से आपलाज प्रसाद, तो सब सोचते यार क्या है ये, अपना ही होगा फिर. चलो नाम में दम है, इसको कास्ट कर लेते हैं. यस यस, इसके नाम में दम है, आपलाज मानुस है, आपलाज प्रसाद. सो मैं आपलाज प्रसाद, म्हणजे तुमचाच आपलाज प्रसाद. मैं एक्चुअली महाराष्ट्र से हूँ, शिरडी. सो मैंने पुणे में थिएटर किया है, पहले सीखा हूँ पुणे में. मैं प्रशांत दामले सर के इंस्टीट्यूट में था, टी स्कूल में, वहाँ पे मैंने अपना बेसिक क्लियर किया थिएटर का. फिर बाकी थिएटर ग्रुप के साथ काम किया, फिल्म मेकिंग का कुछ कोर्सेस किए. उमेश कुलकर्णी सर के पास है, समर नखाते सर के पास है, जो मराठी इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर है, उनके पास मैं सीखा हूँ. एंड अभी मैं कॉलेज ऑफ थिएटर आर्ट्स, कला अकादमी के कॉलेज में पढ़ता हूँ, थर्ड ईयर को हूँ. लिखता हूँ, डायरेक्शन भी ट्राई करता हूँ, लेकिन एक्टिंग फेवरेट है. सो ये तीन चार काम करता रहता हूँ. राइट एज वेल, राइट? यस. एंड रील करता हूँ, टिकटॉक नहीं करता हूँ, रील करता हूँ. इट इज क्वाइट इनोवेटिव, मतलब वैसा नहीं कि लिपसिंग वगैरह नहीं, लेकिन क्वाइट इनोवेटिव आइडियाज रहते हैं. ओके, दैट वाज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव, और इसके बारे में विल गो डीप इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट. अभी फिलहाल विल गेट टू द बर्निंग क्वेश्चन. ठीक है, बर्निंग क्वेश्चन रहते हैं एकदम, यू नो, काफ़ी देर से बर्न हो रहे हो. तो what you think, like is so magnetic in you that people get attracted towards you, like, you know, this can be like the most anticipated question of the podcast. My smile, I think. You think? Yeah, no, not I think. But see, my smile can attract. Complimented for your smile. हाँ, बहुत लोगों ने बोला है आज तक, बड़े बड़े लोगों ने बोला है. हाँ, ऐसा नहीं कि किसी ने भी बोला है, बड़े बड़े लोगों ने बोला है, इंडस्ट्री के कुछ डायरेक्टर्स थे उन्होंने भी बोला है, सर्स ने मेरे बहुत सारे बोला है, टीचर्स ने बोला है. हाँ, तो स्माइल है, ऊपर से मेरा जो बात करने का तरीका है मराठी का. सो मैं ऐसा नहीं हूँ कि सपोज मैं अगर गोवा में हूँ तो कोकणी भी मैं बोल सकता हूँ. हाँ, थोड़ा सा माचे भीता बोलो पाक, कोकणी बोलो पाक, माचे भीता. नेक्स्ट पार्ट माचे कोंकणी करें. ओके. सो मैं जहाँ पे जाता हूँ वहाँ का हो जाता हूँ. सो महाराष्ट्र में जैसे बहुत सारी लैंग्वेजेस है, जो रीजनल जो लैंग्वेज है, मतलब जो ओरिजिनल जो छोटी छोटी लैंग्वेजेस है, वो मैं सब बोल सकता हूँ. मैं हमारी नगर की बोल सकता हूँ, औरंगाबाद, मराठवाड़ा, विदर्भ,
नागपुरी, मुंबई की लैंग्वेज है, पुणे की प्रॉपर मराठी, सो ऐसे मैं सब टाइप की मराठी बोल सकता हूँ महाराष्ट्र की। सो यही डालना, मेरी स्पेशलिटी ये है कि मैं अपने स्माइल से अट्रैक्ट कर सकता हूँ बहुत सारे लोगों को, सबको नहीं डालना। मतलब व्हाट यू मीन, लाइक मैं आपका सीवी बनाऊं इधर? अरे देव बनाओ यार, सच्ची में चाहिए इनका सीवी, मैं हम लोग यहाँ से बांट रहे तो। या बट डेफिनेटली इज अ गुड स्माइल लाइक एंड लाइक है बहुत बहुत चीजें है अभी मैग्नेटिक, अभी क्या करो, चिपकता ही सब मेरे, सोचना पड़ता है कभी कभी क्या क्या है, यू नो वो लिस्ट खत्म हो जाता है। यस एंड आई थिंक जब आई थिंक इवन आई कनेक्टेड इक्वली वेल व्हेन वी डिस्कस्ड ऑन इंस्टाग्राम, मुझे नहीं पता था इतना अच्छा इंसान रहेगा भाई। ये बोलने का पैसा दिया है मैंने इसको, ये बाद में चाय अपना वो बाद में वड़ा पाव वाले वीडियो में मेंशन कर दिया। ओके ठीक है। एंड या यू आर डूइंग थिएटर्स राइट, यू टोल्ड मी ये हमारे जो आर्ट जो ये है, मतलब सिस्टम जो है एजुकेशन सिस्टम में जो आर्ट है ना, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पहले इंटरेस्ट होना चाहिए। या कहीं भी भेजाओ, आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि ये क्यों करना है आपको, आपके पीछे वाई, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये पूछते हैं आपको पहले वहाँ पे। फिर इंटरेस्ट तो है ही, फिर आपका फिर एक ऑडिशन लेते हैं आपकी, रिटर्न होती है आपकी, फिर एक इंटरव्यू राउंड भी होता है, और देन यू विल बी सीन। एंड व्हाट अबाउट द प्रीवियस क्वालिफिकेशन वगैरह? 12th पास, 12th पास आप पास हो जाओ बस, ये तो बताया नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। अरे 12th पास होने के बाद अगर मैं चला गया वहां, 12th पास होना चाहिए बस, ठीक है, रहना चाहिए ना। हाँ एंड हाउ इज द लाइक, अभी आपने एडमिशन ले लिया तो क्या रहता है फर्स्ट क्लास में, क्या सिखाते हैं आपको फर्स्ट ईयर में? हमें कैसे मानना है चेहरा से फर्स्ट ईयर में हमें हमारा बेसिक जो है वो क्लियर करते हैं बहुत, कि मतलब हमें क्या लगता है ना कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि अरे तुम यार थिएटर सीख रहे हो तो क्या पूरा 24 घंटा तुम यार स्टेज पे रहता है? ऐसा नहीं होता है, थेरोटिकल में हमें बहुत इम्प्रूव करना पड़ता है, मतलब पढ़ना बहुत पड़ता है, अलग अलग प्लेज है, मराठी के है, कोंकणी के है, हिंदी के है, फिर बाकी लैंग्वेजेस के जो है उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है कि यार ये डायरेक्टर था यहाँ पे, उसने ऐसा किया था, फिर थिएटर कैसे शुरू हुआ, बेसिक ये कैसे हुआ, ये हमें सिखाते हैं पहले फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास में, और ये पता होना चाहिए क्योंकि अगर कोई पूछ सकता है, हाँ कोई पूछ नहीं, ये जनरल नॉलेज होना चाहिए जो अपन कर रहे हैं उसके बारे में तो पता होना ही चाहिए यार। वही है ना, डायरेक्टर को अगर कैमरा के बारे में पता नहीं रहेगा तो कैसे? वही अगर अगर आपके सामने कल क्रिस्टोफर नोलन आ गया, आप बोल रहे कि अरे चल बाद में, मेरे को आईएसओ सेटिंग नहीं मिल रहा है, पता नहीं अरे पता नहीं कैसे करना है, ये कैसे होगा फिर यार। बेसिक आपको फिर फर्स्ट ईयर में क्लियर करते हैं आपका, इन द सेंस मतलब कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं पूरा, सो ये सिखाते हैं। कैन फिट इन एनी रोल? या मुझे एक्टिंग आता है, तुम आप बताओ बस, हम बस मुझे स्क्रिप्ट दे दो, मैं जैसे लेकिन ये स्क्रिप्टेड नहीं है, दिस इज फ्रॉम हिज हार्ट, फ्रॉम माय हार्ट, सो क्योंकि इतना बड़ा स्क्रिप्ट 30-40 मिनट का तो स्क्रिप्ट लिख नहीं सकता, इतने में अपना शॉर्ट फिल्म बन जाएगा, इतना क्रिएटिव नहीं है। या और यू नो आई एम ऑलवेज फैसिनेटेड बाय द फैक्ट कि यू नो यू कैन लर्न expressing yourself and you can connect with your acting, जो story रहता है, consider a non-actor अगर जिसको acting में जाना है और उसको कितना time लग सकता है, like from a non-actor to a pro actor, because I am thinking to, you know, अपना जो शॉर्ट फिल्म रहता है 3 Vanas का, तो मैं सोच रहा हूँ भाई छोटा मोटा रोल कर लूँ करके, सो दैट्स व्हाई, मतलब आप रोल करो है ना। हाँ वो डायरेक्टर लोग एक्टिंग करेंगे, हम बैठते घर पे। अरे आप लोग को चाहिए ना सपोर्टिंग एक्टर साइड में, इसलिए सो व्हाट हाउ मच कितना टाइम लग सकता है? प्रो एक्टर ना आई थिंक कोई प्रो एक्टर है ही नहीं, कोई भी उठा के देख लो तुमको, अगर कोई कह रहा है कि मैं प्रो एक्टर बन चुका तो वो एक्टर नहीं है। एक्टर हमेशा प्रैक्टिस करता रहता है, फाइनल आप पर कभी नहीं आता है, कभी नहीं। भले अभी मैं पास आउट हो जाऊंगा तो मैं फिर सपोज मैंने एक्टिंग में स्पेशलाइजेशन कर लिया तो ये नहीं है कि मैं उसमें मतलब मैं बाप हो गया मैं तो फिर सब फाड़ दूंगा एकदम, ऐसा नहीं होता है। प्रो एक्टर इज अ मिथ, सो आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं अब प्रो हो गए तो फिर आप रहने दो, फिर जॉब पेटी बात दूर, हाँ क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि अगर कोई चीज आपने पूरी कंप्लीट कर दी तो फिर वो छोड़ दो, तो फिर छोड़ दो ना। इसीलिए और एक्टर अगर बनना है तो
सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरेस्ट होना चाहिए, कुछ क्यूरियोसिटी होना चाहिए ना कि अरे ये क्या कर रहा है, ये स्टेज पे ऐसा क्यों कर रहा है, व्हाई, सो उसके खोज में अपन निकलते हैं और तब बनता है। आई एम क्यूरियस हीरो थोड़ा बहुत एक्टिंग, क्योंकि मैं जब डायरेक्शन करता हूँ एंड आई नीड टू एक्सप्लेन हिम अ बिट, तो कभी कभी थोड़ा बहुत बताना पड़ता, मैं करता हूँ बताता हूँ, बट देन थोड़ा और अच्छा रहता ना, कितना रेफरेंस ढूंढूं मैं, प्रसाद को बुलाना पड़ेगा साथ में, मैं थोड़ा एक्टिंग, बिकॉज आई हैव अपना जो आई हैव अ आर्टिस्ट जो ही इज देयर इन मोस्ट ऑफ अ वीडियोज, विजय, बिग शाउट आउट, वो अभी नहीं आ रहा वीडियोज में क्योंकि बहुत काम कर रहे हो, बट ही इज देयर इन मोस्ट ऑफ अ वीडियोज, सो ही आई विल एक्सप्लेन टू हिम एंड ही विल गो एंड एक्सप्लेन टू देम, तो वैसा रहता है। सो कमिंग बैक टू योर थिएटर फील्ड अगेन, लाइक जो भी रहेगा, इफ यू से यू आर डूइंग थिएटर, तो पीपल आर क्यूरियस कि थिएटर एक्टिंग है क्या, एंड वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन थिएटर एक्टिंग एंड यू आर डूइंग, एंड आई थिंक द अदर थिंग वॉट यू कॉल इज द स्क्रीन, स्क्रीन एक्टिंग, फिल्म एक्टिंग जो रहता है, तो क्या है बेसिकली डिफरेंस क्या है? सी डिफरेंस ये है कि थिएटर में एक तो तीन जगह पे, मतलब अगर बॉक्स थिएटर आप कर रहे हो तो फिर चारों तरफ ऑडियंस होती है, फिर तीन तरफ, या फिर जो मतलब कॉमन है कि सामने ऑडियंस बैठती है, यहाँ से अपन थिएटर कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। सिनेमा में क्या होता है कि कैमरा ही आपकी ऑडियंस है, आपकी ऑडियंस यहाँ तक भी है, यहाँ तक भी है, यहाँ तक भी है, सो वो फील करना है, करवाना है उनको। और थिएटर में ना अगर सपोज मुझे दिखाना है कि भरत जाधव जो हमारे बहुत बड़े एक्टर है, उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि थिएटर में अगर मुझे चांद दिखाना है और मैं ऐसा किया, तो पब्लिक या फिर जो ऑडियंस है वो इमेजिन करती है कि हाँ यहाँ पे चांद है, लेकिन सिनेमा में चांद दिखाना पड़ता है। सो ये डिफरेंस होता है। ओके, लेकिन आई थिंक थिएटर में यू हैव टू, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग आल्सो आपको एग्जैजरेट करना रहता है, सो दैट यू कैन कनेक्ट। लेकिन क्या है ना कि वो हमें क्या एक मेथड बन चुकी कि लाउड करना पड़ता है, लाउड करना पड़ता है। लाउड पहले क्यों करना पड़ता था, ग्रीक थिएटर में पहले पहाड़ पे लोग बैठते थे और जो एक्ट्रेस थे वो नीचे थे, इसीलिए लाउड करना पड़ता था, माइक्स नहीं थे, कुछ नहीं था। अभी क्या है, थिएटर एक तो देखते जाओ तुम, थिएटर की साइज बहुत कम होती जा रही है, लेपल माइक है, यहाँ पे माइक है, वहाँ पे माइक है, हैंगिंग माइक्स रहते हैं, हैंगिंग माइक है, लेपल माइक भी लगाते हैं, सो वो उतना लाउड करने की जरूरत नहीं, ये बस मेथड मिथ्स बना के रखे हुए लोगों ने कि थिएटर लाउड करो, लाउड कोई वो जमाना गया, अभी अभी टेक्नोलॉजी है, अभी बहुत बहुत सारी चीजें आई है। वहाँ पे बेचारा वो न्यू बंदा वो चिल्ला रहा है, वो रो रहा है, उसको किसी ने बोल चिल्ला रहा है, उसको किसी ने बोल दिया कि नहीं थिएटर लाउड करना, ऐसा नहीं होता है, वो उस जमाने में करते थे, अब जमाना बदल चुका है। ऐसा सिनेमा भी देखो ना, 3D भी सिनेमा आ रहा है, शूट 3D में कर रहे हैं, उसमें भी एक्टिंग चेंज हो रही है। या और वहाँ पे क्या रहता है, व्हेन यू आर डूइंग ऑन फिल्म, वो आपका अलग अलग एंगल्स लेते हैं, बट दे से कि व्हेन यू आर एक्टिंग इट, इवन आई टेल टू माय आर्टिस्ट कि यू हैव टू परफॉर्म 200% एटलीस्ट, तब कैमरा में जाके नजर आता है ना, तो यू हियर यू विल फील कि किया है, लेकिन कैमरा सीन में दिखता रहे कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि कोई भी न्यू रहता है वी हैव टू टेल हिम भाई यहाँ पे यू फील इट इज नॉर्मल, लेकिन माने कैमरा पे कम दिखता है, उसको डबल करना, जो एक्स्ट्रा साउंड इफेक्ट डाल के भी कितना करेगा एडिटर, एडिटर पे इतना लोड मत डालो ना, कीप इट समथिंग, आप लोग भी कर लो ताकि एडिटर थोड़ा, तो आजकल भाई दो दो तीन तीन कैमरे लेके करते हैं, मतलब यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, वहाँ से बोल रहा हूँ, वहाँ से शॉट, यहाँ से भी शॉट, एडिटर वो सर फोड़ने लगता है, फिर मैंने देखा है ये बहुत बार। हाँ नहीं, वो सीन अगर अच्छे से प्लान किया ना तो, लेकिन आपको सीन रीटेक्स वगैरह ज्यादा होता है देन शॉर्ट करने में, तो वो आई थिंक वो हॉलीवुड में होता है, हॉलीवुड और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में मैंने देखा है, तो ट्रांस में मैंने आई थिंक देखा था, सब जगह नहीं, अभी अभी आने लगा है, इसलिए मलयालम में ज्यादा होता है ये, ट्रांस फिल्म यू हैव टू वॉच, ट्रांस फाद फसल प्रमोशन हुआ है। ओके, सो दैट वॉज अ फ्यू टेक्निकल क्वेश्चंस, और अभी और भी है आगे, लेट्स गेट टू द पर्सनल स्टफ, ओके, जहाँ पे सम मोर स्पाइस एंड लेट्स सी व्हाट Prasad has to say. So this is, I think this is the moment you have been waiting for. So do you believe in soulmates? Like, no. No? Why? I believe in money. Okay. क्योंकि अभी ये जो जमाना है ना, ये बहुत ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं यार, सोलमेट है, सोलमेट है, ये ना बहुत ऊपर की चीज़ है यार, हम बोलते हैं कि यार ये मेरा सोलमेट है, ये उसका सोलमेट है, अच्छा कब हुआ सोलमेट,
जब उसके पास KTM आई, जब उसके पास बंगला आया, तब ये दिखा। I think KTM और कैमरा का वो क्लीशे हो गया, ओल्ड हो गया अभी। I think बंगला का बंगला है, प्लॉट है, बड़ी जॉब है, गाड़ी है। I have one acre non agriculture land। मेरे गांव में बहुत है अपन की। ठीक है, इसका N है non agriculture की agriculture है तो नहीं मिलेगा, non agriculture settlement plot है ना। ठीक है, सो वही चीज़ है कि ये सोलमेट्स और ये ना, ये अभी मिलता नहीं है क्योंकि ये ज़माना बहुत ऊपर ऊपर का होता गया है। ठीक है, इफ़ अगर आपके पास गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है, तो फिर सोलमेट है आप। अगर आपके पास नहीं है तो फिर हाँ है, ऐसे ही है, यार जस्ट फ्रेंड। कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को होता है ये। मैं ये ट्रेंड आया ना कि डू यू बिलीव इन सोलमेट्स, तेरी नज़र, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। हाँ, कुछ नहीं होता है ऐसा। That is real versus real. हाँ, real versus real, yes. यार soulmate ये बहुत ऊपर ऊपर की चीजें है। जब आप deep जाओगे ना प्यार में, तब आपको आपका soulmate मिलेगा। Yeah. But still it is risky, no? वो अगर वन साइडेड होता है, ये फॉल्स कम्प्लीटली एंड देन उसको धोखा मिलता है, तो वो अलग अलग इसमें चला जाता है। जितना जितना सोलमेट उसको फील आना, उससे डबल इम्पैक्ट होगा वन उसको होता है। वो मुझे दैट्स व्हाई पीपल पागल हो जाते हैं, वन लोग नहीं पागल, और कुछ ना कुछ करने लगते हैं। पागल क्या होना है उसमें, नहीं बोली कट चल नेक्स्ट, ये क्या मतलब, क्या कर रहे हैं। अच्छा अच्छा रुको, अभी ये बोल रहे इसलिए मैं आई लास्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्यार व्यार हुआ है कभी, क्रश वगैरह? प्यार हुआ है, क्रश नहीं हुआ है। अच्छा, ये क्रश मुझे भी तो मतलब हुआ था कि हुआ है कि वो है अभी तक वैसा कुछ हुआ था आवाज या 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 ओके एक घंटे एक घंटे नहीं नहीं बता पा रहे हो अभी, बहुत सहम गए ये सवाल से लग रहा है। क्रश भी ना मुझे ऐसा लगता है वो भी बहुत ऊपर ऊपर की चीज है। आजकल लोग बोलते हैं कि यार विजय देवरकोंडा हमारा क्रश है, BTS हमारा क्रश है। हाँ, उनको पता भी नहीं रहता कि यू एग्जिस्ट। हाँ, एंड क्या है ना कि सेलिब्रिटी क्रशेस, क्रश क्यों होता है, ये ऊपर से होता है ना, आप दिखने के लिए अच्छे हो। हाँ, ये ब्ला 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 ब्ला। आई थिंक यू विल बी हैविंग सो मेनी क्रशेस इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखे, बट इंस्टाग्राम रियल नहीं होता है, मतलब बी अवेयर। मेरा किसी का हुआ है मेरे पे? अरे ऐसा कुछ नहीं। आपको लगा कि व्हाइट शर्ट डाल के मैं ग्लेयर्स के साथ डाल दिया, तुम डोंट देखो, एक्चुअल में ऐसे लगते हैं ऐसे। जब स्टूडियो में आते तो ऐसे लगते हैं, मैं कुछ उसको मास्किंग वगैरह कुछ नहीं करूँगा। दिस इज ओरिजिनल प्रसाद यू सी हियर, और इंस्टाग्राम पे भी आई थिंक इट इज़ क्वाइट ओरिजिनल, कोई फिल्टर नहीं उसका, कोई फिल्टर यूज़ नहीं करता, बी द रियल यू, सी द रियल यू। ओके ओके, एंड व्हाट अबाउट द अदर डे यू वर सेइंग कि वो बस स्टैंड पे थप्पड़ मार के गए थे, उसके बारे में क्या था वो? तुम अच्छे प्राइवेट समझे तो कमा कर सकते। ओके, मतलब नहीं नहीं बता। ओके ओके, कुछ नहीं, वी विल कट दैट पार्ट। ओके, और अपने अभी परसों ही अपने सूत्रों से पता चला कि आप सिंगल है, ऐसा क्यों? सही है, अब प्यार व्यार का बातें कर रहे थे तो मुझे लगा कि आपका अगले साल एंगेजमेंट वगैरह। अरे लेकिन नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं है। सो सूत्रों से आपको एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिली है कि हूँ मैं सिंगल हूँ, क्योंकि यार वही मैं, ये भी ऊपर ही ऊपर ही चीज है। नहीं ऊपर ऊपर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मिली नहीं है। इससे पहले बहुत आई मतलब ऐसा कुछ रिलेशन नहीं हुआ, लेकिन पूछा कुछ लड़कियों ने। आपको आई थिंक करियर फोकस था वो टाइम? हाँ अभी भी है, करियर फोकस है, इसका मतलब ये नहीं कि सिंगल ही रहूँगा, लेकिन टाइम आता है ना, कोई मिलनी तो चाहिए ना। और क्या है ना कि सी, मैं ऐसा हूँ, मैं कभी मेकअप नहीं करता, कोई फिल्टर डाल के फोटो नहीं डालता, ना तो मेरे पास KTM है, ना कैमरा है, ना तो मैं अपने बाप के पैसे उड़ाता हूँ, ये ब्ला ब्ला, मुझे वो शकला का बुम बुम के जैसा वो के बाल भी मैं वो सेट नहीं करता हूँ। सो मैं ना सिंपल रहता हूँ, फिर लोगों को आई थिंक कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है कि यार ये ऐसा कैसे रहता है यार। सो जिसे आऊँगा पसंद उसे आऊँगा, जब होगा तब देखा जाएगा। सही फिलोसफी। यस, दिस व्हाट यू आर टॉकिंग ना, दिस पीपल रियलाइज लेट। मैं वही बोलता हूँ ना कि लेट रियलाइज होता है। ये लाइक व्हेन यू क्रॉस 2022 वो टाइम पे मेंटोस जैसा बिजली का बल्ब जलता है। व्हेन यू फेस सम, व्हेन यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, व्हेन यू गेट, व्हेन यू हैव दैट एक्सपीरियंस, एंड देन व्हेन यू रियलाइज कि अरे भाई मेरा भी करियर पाथ है,
एंड इफ आई पुट माय फुल फोकस हियर आई डोंट गेट टाइम, मेरे को टाइम ही नहीं मिलेगा उसके लिए, तो वैसा हो जाता है. कमिंग टू द इंटरव्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन, दिस इज वाज बेसिकली अ इंटरव्यू. अगर आप लोग को लगा कुछ और है तो नॉट माय फॉल्ट. या वेट डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 8 years, क्योंकि 10 साल में का 2 साल तो हम लोग घर बैठ के निकाल दिया, तो 8 साल का क्या है अभी आगे का? मैं 8 साल में अपने आप को मराठी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाला सबसे बड़ा सुपरस्टार देखना चाहता हूँ. तो देखता हूँ महाराष्ट्र का, मराठी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार मैं अपने आप को देखता हूँ. अच्छा, इतना मेहनत भी करो, करते जरूर से करेंगे, पहुँचेंगे. तो ये कुछ ये आपने प्लान किया है कितना आप चार्ज करोगे वगैरह? अरे मैं शेयर्स लूंगा, शेयर्स डायरेक्ट रॉयल्टी लो, रॉयल्टी मिलता है वैसे, रॉयल्टी भी देते हैं. मराठी में नहीं होता है लेकिन क्या क्या स्टार्ट किया, क्या मीर मैं स्टार्ट करूंगा ना. हाँ, ये इससे शुरू होगा मराठी मूवी का रॉयल्टी का जो. अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लाइक यू लाइक टू ट्रैवल राइट? यस. कहाँ का ट्रैवल किया अभी तक? मैंने आज तक महाराष्ट्र, गोवा महाराष्ट्र, ऊटी महाराष्ट्र मतलब हाँ. सब नहीं फिर हाँ, महाराष्ट्र हुआ, गोवा हुआ, अपार्ट फ्रॉम दिस ऊटी है, बैंगलोर है, बैंगलोर ज़्यादा नहीं थोड़ा, एंड इतना बस, इतना बजट है. मैं चलता है, चलता है, घूम लो अभी. गोवा इज स्मॉल स्टेट, यू कैन घूमेंगे, पूरा घूमेंगे, अलग अलग जगह पे हम लोग बनाएंगे मूवीज, शॉर्ट फिल्म बनाएंगे. या सो व्हाट इज समथिंग दैट यू नो, सिंस आर ट्रैवलिंग बिटवीन योर टू फेवरेट स्टेट्स गोवा एंड महाराष्ट्र, सो व्हाट इज समथिंग दैट फैसिनेट्स यू अबाउट महाराष्ट्र एंड समथिंग दैट फैसिनेट्स यू अबाउट गोवा? मे बी इट कल्चर, पीपल, लोकेशन, जो भी है, अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू. मैंने ना पहले मतलब हमारे यहाँ पे गोवा, लोगों को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में कुछ लोगों को ऐसा मतलब ऐसा लगता होगा ना कि यार गोवा मतलब ये दारू वारू, ये कुछ नहीं है भाई. हमारे लिए गोवा मतलब पहले था कि बाहर की कंट्री, सीरियसली बोल रहा हूँ. मैं कुछ पता ही नहीं था ना, गांव में, एक ऐसे गांव में जहाँ पे लाइट भी नहीं है, वहाँ पे गोवा हमने सिर्फ सिनेमा में देखा है. हमें क्या लगे यार गोवा मतलब यार कुछ फॉरेन है यार कुछ. लेकिन जब यहाँ पे आया तो मैं इफ़ी में आया था सबसे पहले, तो पता चला कि यार कोकणी है, तो कोकणी महाराष्ट्र में भी बोली जाती है लेकिन यहाँ की कोकणी डिफरेंट है. सो कल्चर मुझे ऐसा लगता है कि सिमिलर है, बहुत बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है, लैंग्वेज भी बहुत सिमिलर है, बहुत सिमिलर. एंड जैसे कि कहा जाए तो जो लोग जो है ना, वो गोवा में ना बहुत स्वीट लोग है, सच्ची बोल रहा हूँ मैं, सच्ची. ऐसा नहीं मेरे जैसे कुछ कुछ भाई तुम्हारे जैसे ही स्वीट लोग हैं, बहुत गोवा में बहुत स्वीट लोग हैं, महाराष्ट्र में भी है यार स्वीट लोग. ऐसा नहीं है कि मैं महाराष्ट्र को ये कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में भी है. लेकिन महाराष्ट्र का जो कल्चर है ना वो डिफरेंट ये है कि महाराष्ट्र में छत्रपति या फिर जो बड़े बड़े राजे थे, ये छत्रपति शिवाजी महाराज थे, संभाजी महाराज थे, शाहू महाराज थे, बहुत संत हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं. सो बाद में तो ये तो हिस्ट्री है कि बाद में फिर शिवाजी महाराज गोवा में भी आए थे, फोंडा में, यहाँ पे फोंडा में आए थे. और इसकी वजह से कल्चर जो है ना वो बहुत एक लगता है मुझे, ज़्यादा डिफरेंस सच में मैं बोलूँ डिफरेंस है. वहाँ पे कुछ चीज़ों को ये कहते हैं कि जैसे कि पाव यहाँ का ओरिजिनल है, लेकिन हम वड़ा पाव ही खाते हैं. सो ये जो चीज़ें हैं ना गोवा महाराष्ट्र की, ये मुझे एक लगती है बहुत सारी. सो कल्चर बहुत सारा मुझे डिफरेंट थोड़ा थोड़ा है, लेकिन मुझे पसंद है दोनों. लोग सेम है, बहुत प्यारे लोग दोनों तरफ, बहुत बहुत प्यारे लोग. गोवा के ज्यादा प्यारे, महाराष्ट्र के ज्यादा प्यारे. अयो कंट्रोवर्सी हो जाएगा तो गोवा महाराष्ट्र में एंट्री नहीं देंगे इसको बंद में. महाराष्ट्र अगर दिल है तो गोवा फेफड़ा इसका नहीं रे, जान थोड़ी गोवा में भी डाली मेरे. हाँ, क्योंकि सीखा है यहाँ पे होना यार, अभी भी सीख रहा है इधर. Yes. एक साल तो ऐसे बोलना ही पड़ेगा. नहीं रे भाई सच में यार, मैं कितना भी कुछ भी हो जाऊँ, ये मेरे ऊपर क्या उपकार आहे तो माझ्यावरती खूप गोव्याचे खूप मोठे उपकार. बट यू डोंट थिंक लाइक व्हेन यू आर इन महाराष्ट्र यू फील द अर्ज ऑफ यू नो काम ज्यादा, वो बोलते हैं ना शेयर इट कीप्स रनिंग. वहाँ पे आपको एनर्जी आ रहेगा. और व्हेन यू कम टू गोवा एनर्जी इज देयर नो डाउट, बट देन यू फील अ बिट रिलैक्स. काम भी करोगे तो रिलैक्स एकदम. हाँ रिलैक्स है एक्चुअली, ये अलग अलग जरूरत है अलग अलग लोगों की.
यहाँ के लोगों को, अगर कुछ लोगों को लगता है कि यार घर चाहिए, थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, सेविंग चाहिए, बस खत्म. यस. लेकिन मुंबई में क्या होता है ना कि मतलब नीड वांट सब चाहिए, सब चाहिए. मतलब डेढ़ डेढ़ दो दो लाख पेमेंट है फिर भी ये ट्रेन में जाते हैं धक्के खाते हुए. क्यों? ऐसा नहीं कि गाड़ी नहीं ले सकते, लेकिन टाइम बचाना है, भागना है, बहुत भागते हैं. सो ये नीड है अपनी अपनी, उनको अपनी नीड या फिर उनको अपना सपना ये है कि मुझे मेरी फैमिली में बहुत, मेरा बंगला चाहिए पड़ा है, मुझे पूरा लैविश लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे मेरे बच्चों को बहुत सारी प्रॉपर्टी देनी है. अपोजिट कुछ लोगों को ये लगता है कि यार हाँ जो है वो है, खुश है, हैप्पी है, बस. अलग अलग नीड है. सो ऐसा ही. सो गोवा में भी ऐसे लोग हैं जो बहुत भागते हैं, होते सब जगह पे होते हैं ना जो बहुत भागते हैं. सो जगह वैसे नहीं होती है, लोग कुछ लोग वैसे होते हैं और हम फिर जगह ही वैसे करने लगते हैं. यार यहाँ सब लोगों को लगता है ऐसे ही है, ऐसे ही है करके लगता है बंदा. हाँ फिर लोगों को लगता है मुंबई में सिर्फ भागते हैं, ऐसा थोड़ी है. मुंबई में कुछ लोग चिल करने भी जाते हैं, सच में जाते हैं. सो गोवा में भी कुछ लोग, कुछ लोग टूरिस्ट मतलब घूमने के लिए आते हैं फिर भी फोन पे लगे हुए होते हैं. सो ऐसा अपने पे है वो, क्या करना है तुम्हें ऐसा. हाँ अगर आप चाहे तो ये कमरे में भी मजे कर सकते हो. हाँ. नहीं चाहे तो आपको दुबई में भी भेज देता हूँ. आई मिस गोवा, मुझे गोवा जाना है. फिर गोवा दुबई अच्छा नहीं लग रहा, मुझे गोवा जाना है. वैसा वैसा आते तो फिर बोलते मुझे मुंबई जाना है, तो फिर वो कहीं भी कुछ नहीं रहते. सो इट इज ओवर, फाइनली इट इज अबाउट योर थिंकिंग एंड कैसा रहता है कोई बंदा सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड में ना एक्टिंग करेगा, नहीं तो कोई डायरेक्शन करेगा, कोई पॉडकास्ट करेगा, तो क्या कब लगा? फर्स्ट स्टैंडर्ड से, मतलब बहुत छोटा था तब से. really? First standard. मेरे को बचपन से हीरो बनना है. किसको देखा था फर्स्ट स्टैंडर्ड? मैंने सबसे पहली फिल्म देखी थी रजनीकांत की अन्नमलाई. तो वो स्टाइल ना मेरे दिमाग में पूरा फिट हो गया था. उस वक्त डब नहीं आया था, वो किसी चैनल पे लगा हुआ था. मैंने पूरा देखा वो फिल्म, तमिल में देखा पूरा अन्नामलाई देखा. फिर उसके बाद चिरंजीवी सर की एक फिल्म आई, उनकी फिल्म थी इंदिरा द टाइगर. वो मेरे पापा सीडी लेके आए थे, हिंदी में डब थी वो, तो रिपीट मोड पे देखता था मैं. एक दिन घर वालों ने गुस्से में तोड़ दी, दिन भर वही देखते रहे तो पागल हो जाएगा. मैं वही सफेद कपड़ा लेके इंदिरा टन टन, वही वाइब्स थे मेरे दिमाग में पूरे. तो फिर घर वालों ने एक दिन गुस्से में आके तोड़ दिया. फिर मैंने खाना नहीं खाया, ये वो हुआ. पापा गए लेके आए सीडी, लाए, लेकिन वो तेलुगु वाले लाई. तो मेरे दिमाग में इतना फिट हुआ था ना सिनेमा वो, कि वहां पे वो जो एक्टर, वो जो हीरो है, वो तेलुगु में डायलॉग बोल रहा था, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा था. इतना फिट हुआ था, एक एक डायलॉग, एक एक वो अभी ये उठेगा, अभी वो ये सब मारेगा, वो कोयता मारेगा, फिर बोलेगा कि मसल के रख दूंगा. वो मैं सब करता था. तो बचपन से ही हीरो बनना है, बस अभी भी हीरो ही बनना है. You are in a field where you will be meeting up new people in future, or abhi I think you are already meeting up new good people over there. So what has been your experience in all this? क्या कुछ यादगार experience है from meeting all the new people in various projects either here and there? मुझे ऐसा लगता है कि यार society जो है ना वो आईना है आपका. आप जैसे रहोगे वैसे ही वो पेश करेंगे. Okay. So ये first rule मैं follow करता हूँ कि मैं सबके साथ हंस के स्माइल लेके बात करता हूँ. अगर सामने वाले का एटीट्यूड है तो फिर निकल चल, तू तेरे रास्ते मैं अपने रास्ते. हाँ. सेल्फ रिस्पेक्ट कोई चीज होती है ना. तो या यू कैन फॉर सम टाइम कर सकते. हाँ तो कितना टाइम हंसते रहो. हाँ कितना टाइम हंसते रहे, जोकर थोड़ी ना हो यार. तो यही चीज है कि आईना है इंडस्ट्री, आप जैसे हो वैसे इंडस्ट्री है, और जैसी इंडस्ट्री बनेगी वैसे आपको बनना पड़ेगा फिर. अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, कोई आपको हेट कर रहा है, तो फिर आपको भी वैसा ही करना पड़ता है, क्योंकि नहीं करोगे तो कुचले दे जाओगे. ये बहुत जालिम दुनिया है. वो है ना वो डायलॉग की लाइफ इज अ रेस, अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे चला. हाँ, लेकिन मन में वो रेस में हम लोग भागते रह जाएंगे. मतलब सीधा नहीं रहना. हाँ. ये मैं कहता हूँ पूरा ये कि सीधा नहीं रहना. सीधा अगर रहोगे ना तो ठोक दी जाओगे. टेढ़ा 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 ट
इतना टेढ़ा कि मैं भी अभी सोचने पड़ गया मैं भी कितना वो डायलॉग है ना वो मैं देखता हूँ बहुत स्वीट एंड स्वामी टाइप का हाँ, लेकिन हाँ, मैं हूँ बहुत बड़े हरामी टाइप का यस बहुत हरामी भी है ठीक है शब्द मुझे कंट्रोल करने पड़ रहे बीप करना पड़ेगा वो फिर ये पॉडकास्ट में बीप किया तो अच्छा नहीं लगेगा कानों में चुभेगा तो सी इन दिस जर्नी ऑफ फिल्म मेकिंग और जो भी जो मैं करता हूँ व्हाट आई हैव लर्न्ड इज पेशेंस यस इसलिए मैं कंट्रोल मुझे बहुत पेशेंस रखना पड़ता है आपको इसमें बहुत यस yes. मुझे बहुत लोग मैसेज करते ही कि यार बॉस यार तेरा इतना अच्छा कंटेंट है फिर भी अभी तक 1K भी क्यों नहीं हुआ यार कहता यार होगा ना हाँ, हो तो वेट ना, करना पड़ेगा ना लगता है कैरी मिनाटी ने 4 साल तक स्ट्रगल किया था 3 माइनस का भी 4 साल स्ट्रगल एक दिन गोवा को क्या रिप्रेजेंट करेगा सच्चे बोल रहा हूँ करेगा 100% लिख के देता हूँ ये रिकॉर्ड कर प्लस प्रसाद का आशीर्वाद देता हूँ हो जाएगा इज देयर एनीथिंग एनी स्टोरी विच यू वांट टू टेल जो मैंने यू नो अभी ये सब इसमें मैं यू आर विलिंग टू टेल लेकिन मैंने पूछा नहीं अभी तक वैसा कुछ स्टोरी यू वांट टू टेल अबाउट कभी झगड़े किए हैं कभी मतलब क्या है ना कि लोग पूछते हैं यार हाँ कितना यार मतलब पुणे में ऐसा कहते ना कि यार तू बात खाना रहा मुलगा मतलब ऐसा चेहरे से लगता कि ये तो मतलब घी ये खा के बड़ा हुआ है ना तो लोगों मैंने बहुत ना झगड़े बहुत किए गुंडागर्दी की है ये वहाँ घुमाओ तो फिर मुझे ऐसा एक्सपेक्ट था कि अब तुम मुझसे पूछोगे कुछ हाँ कि कभी पुलिस का मार खाया है कभी किसी से झगड़े हुए हैं क्या ऐसा बिगेस्ट मैटर क्या हुआ है ऐसा मुझे लगा था एक्सपेक्ट मैंने किया था चिकना लगता है नहीं लगता है ना तो इसलिए नहीं पूछा मैंने अरे नहीं मैं वही कहता हूँ लोगों को लगता है यार कितना सज्जन लड़का है यार ये तो ये मिसकंसेप्शन है कि बहुत कांड की है बहुत कांड बट यू हैव प्लान्ड इन द फ्यूचर आल्सो कि कुछ करना है कि अभी सुधर गया वैसा कुछ नहीं सुधर गया ठीक है अभी तो वो बचपन के दिन थे तब बचपन नहीं अभी जवान 3-4 साल हुए जवान अबे जवान हूँ यार मैं ऐसे क्या बोल रहा है यार वो मेरे पूरा जवान हूँ वो मेरे जवानी के दिन थे अभी मैं वो दिन भी क्या दिन थे दिस वन इज रियली इम्पोर्टेंट एंड टू ऑल द क्रिएटर्स हु आर लिसनिंग टू यू दे विल बी बेटर एबल टू रिलेट टू दिस वी हैव नोटिस दैट यू आर रियली फॉन्ड ऑफ क्रिएटर्स हु रीच मिलियन इन जस्ट अ शॉर्ट स्पैन लाइक जब से रील शुरू हुए सो व्हाट यू हैव टू टेल अबाउट दैट हर किसी का वक्त होता है हर किसी का टाइम होता है सो क्या है ना कि आप अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो जस्ट नहीं लिया वो है कि यार इनके यार 500K है 600K है या फिर 1 मिलियन की तरफ जा रहे तो ना उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया बहुत ज़्यादा पहले वो भाड़ीपा में काम करते थे मराठी के एक यूट्यूब चैनल है वहाँ पे काम करते थे फ्रीलांसिंग उन्होंने की है बहुत स्ट्रगल किया है तब जाके वो ये बने हैं और जो जैसे कि खुफिया अंसारी जी जैसे कुछ लोग हैं लड़कियाँ जो मतलब सिर्फ लिपसिंग मेकअप कोई छपरी जैसा डायलॉग मार के चलते जा रहे हैं और फिर कहते ऐसे धमकियाँ दे रहे कुछ ये टेम्पररी बॉस क्योंकि क्या है ना कि अगर आप किसी कंटेंट क्रिएटर को और किसी छपरी को अगर सामने रखोगे स्क्रीन पर रखोगे ना तो छपरी की औकात पता चल जाएगी उसकी फटेगी कैमरे के सामने उसको पता चलेगा कि यार ये नहीं हो रहा है अब यहाँ पे कौन लिपसिंग करेगा जब आपको लॉन्ग फॉर्मेट में जब जाओगे तो तब समझ आता है कि यार ये क्या है तो ना ये बहुत हवा में रह रहे हैं कि यार हमने 1 मिलियन कर लिया है तो फिर कौन है बाकी कंटेंट क्रिएटर तो हम नहीं मानते हमारे पास तो ये चीज़ें हैं हम ये दिखा के फॉलोअर्स बढ़ाएंगे तो बेटा कर लो जब आओगे ना सामने तो देखा जाएगा रील कब बंद हो जाएगा बोलने से कब बोलने से यस दैट इज वैसा ही कुछ अगर कुछ हुआ देन बंद हो गया देन यस तो फिर वही है ना जो कंटेंट क्रिएटर है हमारे अंदर या फिर जो कोई भी है उसके अंदर जो टैलेंट है इफ अगर रियल कंटेंट बंद हो जाता है तो मैं थोड़ी ना भूखा मर लूंगा मेरे पास थिएटर है मेरे पास सिनेमा है शॉर्ट फिल्म से बहुत सारे यस तो मैं उस पर नहीं जीऊंगा ना मेरे पास मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ और लोगों को क्या लगता है ना कि यार ये लिपसिंग किया है इसने क्या एक्टिंग करता है यार
और जो भी एक्टर ये देख रहे हैं ना, अगर आप कोई सीन देख के उस पर लिपसिंग कर रहे हो तो ऐसा मत करो, उससे आप अपनी आप को दबा रहे हो, आप अपनी आवाज़ दबा रहे हो। क्योंकि मैं शाहरुख खान के आवाज़ में लिपसिंग कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, शाहरुख खान को इमेजिन कर रहा हूँ अपने अंदर, तो वो ऐसे आप लाइफ टाइम पर शाहरुख ही बनते रहोगे आप। फिर आप किसी और की आवाज़ पर आप खुद चल रहे हो, खुद का कुछ बनाओ, खुद क्या हो उस पे सर्च करो, रिसर्च करो, बस खुद की खोज करो। या व्हेन यू पुट योर ओन वॉइस आल्सो ना, तब आपको पता चलता है कि हाँ मेरे में ये कमियां हैं, देन यू कैन इंप्रूव। यस, अगर सिंगर भी रहेगा वो लिपसिंग थोड़ी करेगा, तो और जब तक वो गा के खुद का आवाज नहीं सुनता है, एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा तब तक। मैंने बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर देखे ना, कि मैं कमेंट देखता हूँ कि लोग बोलते भावा क्या एक्टिंग है यार, बॉस क्या एक्टिंग है, अरे क्या एक्टिंग है, क्या एक्टिंग है, लिपसिंग क्या है वो यार, क्या उसमें क्या है सिर्फ। यस, आई थिंक जब इफ यू आर स्टार्टिंग आउट इन एक्टिंग ऑल्सो, देर आर मोनोलॉग विच यू कैन डू इन योर ओन वॉइस, ऐसे नहीं कि डायलॉग्स उठा है। यस यस, तो मोनोलॉग से आपको यू नो यहाँ पे एक्सप्रेशन कम हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे चाहिए करके, तो यू कैन सी योर सेल्फ एंड इम्प्रूव। मोनोलॉग में भी क्या होता है ना, कि आप किसी एक्टर का मोनोलॉग कर रहे हैं, हाँ, तो फिर वो चीज़ आपकी फिट बैठ, इफ अगर मैं रणवीर सिंह का कोई सीन कर रहा हूँ, चीते की चाल वो वाला सीन, तो मेरे दिमाग में बैठा है कि यार उसने ये किया है, फिर मैं वैसा ही करूँगा। तो चैलेंज ये होता है एक्टर के लिए कि आप अपना कुछ बनाओ, लिखो और करो। या फिर रणवीर का वो सीन है, मैं उससे अलग कैसे कर सकता हूँ, वो अलग, तब आप कह रहे हो एक्टर। यस यस, या देन व्हेन यू राइट योर ओन कंटेंट एंड व्हेन यू सी इट इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन, उसका कुछ अलग ही रहता है, अदर देन व्हेन यू आर कॉपीइंग। यस यस यस, तो वैसा हो जाता है। अच्छा, जो होता है तब होती है मेहनत, क्योंकि मेकअप है, बाकी का चीज है, ये सब पाउडर ऐसा ऐसा किया, लुक चेंज, इसमें मेहनत क्या है यार, कपड़ा चेंज करना। इट इज लाइक द फास्ट फूड। यस, फास्ट फूड जैसा, आपको हफ्ते में एक फास्ट फूड भी कैसे खाते हम लोग, आप एक दिन खाओगे दूसरे दिन नहीं जमता है, हजम नहीं होता है, हजम नहीं होता, घर के दाल आप हफ्ते भर खा लेते। तो ये टेम्पररी है, ये खुफिया अंसारी है, भंसारी है, या फिर जो बाकी के जो है जो लिपसिंग करते हैं, या फिर कुछ लड़कियां है जो सिर्फ उनकी बॉडी देखा के फेमस हो रही, तो आप टेम्पररी हो। स्मिता पाटिल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, या फिर नसीरुद्दीन शाह, ये जो है ना, ये कंपलसरी है। ये हीरे थे, हीरे रहेंगे। ये लोगों को क्या लगता है ना, कि ये कुछ लोगों को लगता है कि यार हम फेमस हो गए तो हम इनसे भी फेमस हो गए, नहीं भाई, जरा औकात में कोई ना, क्योंकि गिरने ज्यादा टाइम नहीं लगता। यस, बनने के लिए आपको लाइफ टाइम लगता है। और आप ऐसे जगह पे खड़े हो ना कि नीचे कुछ नहीं है, सिर्फ हवा में गया वो, तो एक ऐसा हवा का झोंका आएगा ना, सब सब उठा के लेके जाएगा, उड़ के चला गया ऐसा हो जाएगा। यस, सो टॉकिंग अबाउट योर वर्क, लाइक यू आर पोस्टिंग कंटेंट विच इज मोर ऑफ एंटरटेनमेंट और क्वाइट इनोवेटिव रहता है, लाइक पीपल लाइक योर कैरेक्टर्स, जो खुफिया भंसारी हो गए हमने, तो बी वाले बाबा हो गए, सो एनी न्यू कैरेक्टर्स आर कमिंग अपार्ट फ्रॉम दिस? यस, आएंगे कैरेक्टर आएंगे। मैंने फेकू भी किया था, एक कैरेक्टर था फेकू, ओके, एंड वो खुफिया भंसारी का कैरेक्टर किया था, वो किया वो सबके ऊपर से चला गया। हाँ, मुझे ऐसा लगा मेरा, मैं अपने मतलब जो काम आज तक किया है ना रील्स में, वो मेरा सबसे फेवरेट और सबसे ज्यादा मेहनत मैंने उस पर की थी। अब ये जो वड़ा पाव सॉन्ग आया है देखो, तो उस पर भी बहुत मेहनत की है, और ये खुफिया भंसारी बहुत सोचा था कि यार ये ऐसा सटायरिकली करूँगा, ये सिंबल यूज करूंगा, ये ऐसा करूंगा, वो वैसा करूंगा, जबकि वो हुआ नहीं, चला ही नहीं, वो कुछ अभी कुछ 10K हुआ उसका। You have to still keep experimenting. तो फिर वही हुआ। आप जाओगे, आप 100+ वीडियोस डालोगे, एक चलेगा आपका, बट देन पीपल विल नो कि भाई कंटेंट में दम है, कम है लेकिन दम है, तो दे विल स्टे फॉरएवर। यस, अगर आप आएंगे, अगर एक दो अगर एकदम भावुक होके दे फॉलो यू, नेक्स्ट दो तीन कंटेंट यार भाई तो कचरा निकल जाए। वो लोग ऊपर से गए, आई थिंक, इसलिए मैं कहता हूँ ना कि आई थिंक स्टिल इफ यू कीप पोस्टिंग ना, इफ यू गेट कंसिस्टेंट, इफ यू कीप पोस्टिंग ना, देन अपने आप हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट द करियर पाथ लाइक इन विच यू आर, वॉट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव फॉर द पर्सन जो यू नो सेम करियर पाथ में?
परस्यू करना चाहते हैं प्रसाद को, यू नो दे विल बी डेफिनेटली पीपल हु विल गेट इंस्पायर्ड. सो उनके लिए क्या है? देखो यार, मैं कोई बड़ा कोई लेजेंड नहीं हूँ इस फील्ड का जो ज्ञान देगा, लेकिन जो मैंने देखा या फिर जो मैंने सुना है कि देर इज नो वे, कोई रास्ता नहीं है फिक्स की यार ये ऐसा होगा तो फिर मैं ये स्टार बनूंगा या फिर एक्टर बनूंगा, ये किया तो एक्टर बनूंगा. देर इज नो वे. मिथ बहुत फैले हुए हैं, बहुत ज्यादा मिथ ये भी फैला हुआ है कि यार अगर आपको एक्टर बनना है तो फिर एप्स चाहिए. हाँ. अगर आपको एक्ट्रेस बनना है तो फिर आपको फोटोशॉप करना पड़ेगा, अपने मतलब पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा. हाँ. लड़कियों को या फिर है कास्टिंग काउच होता है ये वो. हुँ. ये कुछ चीज़ होती है, कुछ नहीं भी होती है. सो एक्टर बनना है तो फिट तो रहना पड़ता है, लेकिन फिटनेस और एब्स में बहुत फर्क है बॉस. एब्स सबके होते हैं, एब्स होते हैं फिर भी लोग मरते हैं. तो फिटनेस और एब्स बहुत अलग अलग चीज़ें हैं. तो मिथ से दूर रहिए. आप फिक्स कर लीजिए कि ये मुझे करना है तो करना ही करना है. करते अगर करते. हाँ कि इफ किसी को लगता है, बहुत ये भी मिथ है कि कोई एक्टर अगर NSD से सीखा है या फिर FTI से सीखा है तो फिर आप फिर स्टार ही बनोगे. उसके बाद सीधा गए बड़े बड़े डायरेक्टर आपके दरवाजे पे खड़े, यार सर आइए आइए सर हम आपको देते. तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप FTI में सीखे या फिर आप NSD में सीखे तो फिर आप आगे नसीरुद्दीन शाह ही बनोगे, ओम पुरी ही बनोगे. उनका अलग स्ट्रगल था. FTI से पास आउट हुए लड़के भी सेम लाइन में खड़े रहते हैं जहाँ पे फ्रेशर्स खड़े रहते हैं. ओके, जस्ट टू इंटरप्ट, FTI इज काइंड FTI क्या रहता है? इट इज फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. ओके, इट इज लाइक द टॉप इंस्टीट्यूट. हां, तो मैं टॉप, मैंने टॉप इंस्टीट्यूट से किया, अभी मुझे एक्टिंग दो. ऐसा तो ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा मुझे एक्टर बनना है तो इसी इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है. बड़े बड़े सुपरस्टार से जो या फिर एक्टर है जो कहीं पे सीखे नहीं, लेकिन उन्होंने समाज को इतनी गहराई से देखा है ना कि ऐसा लगता है कि यार ये बहुत डीप है. सो ये कंपल्शन नहीं है कि आपको फिर ये कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा फिर उसके बाद आप जाओगे सीधा सुपरस्टार बनोगे, ऐसा कुछ नहीं है. आपको खुद आपके जो खामियां हैं, आपके जो पॉजिटिव चीज़ें जो है उस पर आपको खुद स्टडी करना पड़ेगा, आपको खुद स्ट्रगल करना पड़ेगा. तो देर इज नो वे, यू हैव टू क्रिएट योर ओन वे. यस, बस. And I believe that hardships even teaches you a lot. Yes, बहुत. हार्डशिप से जाएगा तो और अच्छा एक्टर होता है, बिकॉज ही नोज ऑल जो भी इसमें गया है ना. सो इफ ही गेट्स वन अपॉर्चुनिटी वो छोड़ेगा नहीं उसको. यस, तो फार्ट डालेगा. क्या है ना कि लोग ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलने तक बहुत हार्डवर्क करते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद हार्डवर्क. लोग कहते हैं हाँ ये यहाँ पे आ गए. हाँ, बस अभी सेटल, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये दुनिया है. भागते रहना पड़ता है. और जिस टाइम आप स्टॉप हो गए ना थोड़े दिन के बाद आपको लगा रहे मैंने क्यों स्टॉप किया. हाँ, टू वर्क आफ्टर वन में हिल अगेन स्टार्ट, उसका गाड़ी वापस शुरू हो जाता है. एंड वन मोर थिंग, कि अभी जो तुमने कहा कि हार्ड टाइम जो है वो एक्टर को या फिर हर आर्टिस्ट को बहुत सिखाता है, जैसे कि अभी मैं ये मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं जब रोता हूँ ना. हाँ. हार्ड वर्क रोते हैं, सब रोते हैं कि जब रोता हूँ तो ये इमेजिन करता हूँ कि यार हाँ अभी यहाँ पे मैं रो रहा हूँ तो ये ना मैं लिख लेता हूँ या फिर कोई रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि बाद में मुझे ये इस्तेमाल करना पड़ेगा ना थिएटर में, स्टेज में या फिर सिनेमा में. यार मैं रियल लाइफ में ऐसा रोता हूँ. हाँ. तो फिर ये कैरेक्टर अगर आएगा तो फिर इसमें ऐसा कैसे रोऊंगा. हाँ. तो वो यू कैन विजुअलाइज योरसेल्फ. हाँ, विजुअलाइज करना पड़ता है. यार कई बार ऐसा हुआ कि मैं रो रहा हूँ फिर अचानक से याद आया यार ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा मुझे. होता है बहुत बार, हंस रहा हूँ लाइक यार ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा मुझे. तो ऐसा काफ़ी बार हुआ रहेगा लाइक यू मतलब स्लीपिंग, मतलब रात के नाम रोता रहेगा तो आपको लाइट ऑन करके हमें रिकॉर्ड कर लेता हूँ यार मैं सुबह उठूंगा कैसे देखूंगा. ये बहुत ऑब्जर्व करना पड़ता है अपने आप को. हार्ड में भी तो जितने भी आर्टिस्ट हैं ना, अगर आपको हार्ड वक्त आया है, बहुत बुरा वक्त आया है तो ऑब्जर्व करो. क्योंकि पता नहीं बाद में हार्ड वर्क आएगा या नहीं. सो हार्ड को भी एंजॉय करो, हैप्पीनेस को भी एंजॉय करो, हर चीज एंजॉय करो बस. सो यू गेट समथिंग टू लुक बैक, क्या रे मैं ऐसा था
अभी यहाँ यहाँ से वी हैव अ हम्बल बिगनिंग एंड यू हैव टू स्टे हम्बल थ्रू आउट थोड़ा एज यू सेड बिफोर के उड़ने मतलब एकदम गिरने टाइम नहीं लगेगा तो वैसे रहते हैं या काफ़ी काफ़ी ज्ञानी बाबा है ओके बहुत ज़्यादा आपको लगता रहेगा कि मैं ऐसे किसी को नहीं लाता हूँ बिकॉज आई हैंड पिक आर गेस्ट ऑन दिस शो सो ही इज़ वन ऑफ दोज ओके या सो आई थिंक बिफोर वी कंक्लूड आई थिंक इट वॉज रियली फन विद दिस एंड ब्रो टू ब्रो कन्वर्सेशन एंड ही इज अ राइटर इट सेल्फ इवन आई एम अ राइटर डायरेक्टर ये बंदा भी राइटर डायरेक्शन थोड़ा बहुत सीख लेगा मेरे से सो बिफोर वी कंक्लूड ही इज हैविंग क्वाइट अ लॉट ऑफ फन इन द एपिसोड मेरे से ज़्यादा लग रहा है उसको स्टैंड अप कॉमेडी चल रहा है यहाँ पे बट स्टिल या बिफोर वी कंक्लूड स्टैंड अप कॉमेडी करनी है यार करनी है डीएम करो मेरे को yes. करनी है मेरे को स्क्रिप्ट रेडी है करने है तो बोलो बंद में वी विल अरेंज फॉर द लाइटिंग से ओके सो बिफोर वी कंक्लूड दिस एपिसोड आई थिंक व्हाट यू वांट टू टेल फ्रॉम योर हार्ट टू ऑल आर क्रिएटर्स टू ऑल आर लिस्टर्स ऑफ आर स्मॉल फैमिली थ्री वाइनर्स की जो छोटा फैमिली है टू ऑल योर फैंस एज वेल एंड टू ऑल आर क्रिएटर्स बेसिकली अपना जो फैमिली है बिकॉज विदाउट फैमिली यू कैनॉट ग्रो सो Before you go, you can share your heart, pour your heart. आप जो कर रहे हो ना उस पर पूरा फोकस रखो उस पर भरोसा रखो अगर कोई बोल रहा है कि यार यार ये नहीं हो सकता तो वो उसको लग रहा है अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हो कि ये होगा मुझे लगता है ये होगा और ये होकर ही रहेगा तो करो बस दुनिया को कोई टेंशन मत लो दुनिया कहती ही है कि यार ये तो वर्क नहीं होगा वो तो वर्क नहीं होगा एलन मस्क को भी बहुत लोगों ने बोला था क्या डॉज कॉइन निकाला है क्या ये थोड़ी ना रॉकेट फिर से थोड़ी ना रिटर्न आ सकता है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी थोड़ी ना आ सकती है किया ना भरोसा रखो जो कर रहे वो करो एंड एक और वो थॉट है ना वो इफ अ मैन लव्स अ डॉग देन ही इज अ गुड मैन सो वो तो बहुत क्लीशे है लेकिन इफ अ मैन लव्स इज मॉम और इज़ अ फैमिली देन ही इज़ अ वेरी 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 गुड मैन सो अपने फैमिली को पास रखो उनको पास रखो जो जब आप कुछ नहीं थे ना तब आपके साथ जो थे उनको बहुत पास रखो उन्हें कभी मत भूलो क्योंकि वो आपकी ज़मीन है आप जब तक उनसे जुड़े रहोगे ना तब तक आप ज़मीन पे हो yeah. उनको छोड़ दिया तो आप गए हवा में फिर आपको फिर कोई पतंग आएगी आपको काट देगी फिर आप फिर से आओगे ज़मीन पे इट इज़ लाइक द फाउंडेशन स्टोन जैसे यस यस So yeah, that is there. And बद्दुआ मतलब बस keep smiling यार हंसो मैं बहुत लोगों को दिखता हूँ ना हंसना ही भूल चुके हैं सच्ची बोलता हूँ मैं हंसना ही मैं स्माइल लेता हूँ अच्छा सामने वाला हाँ थैंक यू हंसो हंसो स्माइल रखो यार हमेशा कितने भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए ये जो चीज़ है ना ये आपके चेहरे से कभी नहीं जानी चाहिए ये आपको भगवान ने दे दी है हाँ। ये हंसते रहो यार बस और हमारा keep पूरा smiling. हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि हम लोग हंसाते रहे ऐसा यस मैं तो वही हंसाने हाँ। के लिए वो पंजाबी ये है ना कोट हंसते हुए चेहरे के पीछे क्या ओके देयर इज वन थिंग कि हंसाने वाला एक अलग रहता है बट उसका भी स्टोरी के पीछे देर आर प्रॉब्लम्स बट यू डोंट अंडरस्टैंड वाइस कंटेंट आपको उसका अगर प्रोफाइल देखोगे यू विल बी लाइक अरे कितना अच्छा लाइफ है इसका उसके हार्डशिप जो चलते रहते हैं यू वोंट अंडरस्टैंड बिकॉज उसका काम है वैसे हंसाना ये लाइक स्टोरी होता है तो वो रहेगा बिकॉज सिक्के के दो पहलू होते हैं ना या विल फील लाइक मेरे साथ प्रॉब्लम बट आई कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस सो प्रॉब्लम सबके साथ यार और क्या है ना कि भूल जाओ सब कुछ एवरीथिंग इज टेम्पररी आदमी मरने के बाद भी ना लोग गायब हो जाता है yes. मतलब आदमी मरने के बाद भी लोग उसे भूलते हैं हाँ. बड़े बड़े लोग मरते हैं लोग क्या मीडिया में दिखाते हैं एक दो दिन एक बाद दो में दिन. क्या है हाँ. ये सर्कल ये घूमता रहता है तो कोई मतलब ये मत यार वो छोड़ के गया या फिर वो छोड़ के गई मतलब हो जाते हैं ना लोग बहुत बार पागल हो जाते यार वो छोड़ के चली गई हाँ, नहीं तू नहीं समझेगा हाँ तू नहीं समझेगा तेरे साथ होगा तब देखेगा ये वो आपको पता नहीं रहेगा कि भाई आप जिनको बोल रहे हो उसके पास उससे भी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है बड़ी फिलहाल भाई इसका 14 साल के बच्चे बोलते हैं मुझे भाई तू नहीं समझेगा अरे तू मुझे बता रहा है तू नहीं समझेगा साले मेरी टाइम पे शादी हुई होती तो तेरे जितना बच्चा होता मुझे
तू मुझे बोल रहा है तू नहीं समझेगा। हाँ मैं कहता हूँ यार, बोलते हैं कि ये मुझे छोड़ के चले गए यार, खत्म, चल नेक्स्ट। हाँ या बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव यार, दुनिया थोड़ी ना खत्म होने वाली है। सो या दैट वॉज प्रीटी मच विद दिस पॉडकास्ट विद आपलाज प्रसाद, एंड यू कैन लिसन टू अस ऑन YouTube पे हम लोग है, Spotify पे, आई थिंक Spotify एंड मैनी लिसनर्स आर दे चेक अस आउट ऑन YouTube, तो Spotify पे जाओ, आई नो Spotify है, हाँ है, वी आर देयर ऑन Spotify ऑल्सो। ओनली थिंग क्या है कि Spotify पे आई अंडरस्टैंड कि एक दो एड चलाएंगे, बट स्टिल यू कैन लिसन टू अस, बिकॉज आई पर्सनली व्हेन आई ट्रैवल आई लिसन टू पॉडकास्ट विच आर इन्फॉर्मेटिव, बट इफ यू लिसन टू 3XP यू विल फाइंड इन्फॉर्मेशन एंड इट विल बी फन, एंटरटेनमेंट भी होगा, बिकॉज 3XP इज बेसिकली अ पॉडकास्ट वेयर इट इज गोवा'स फर्स्ट एवर एंटरटेनमेंट पॉडकास्ट। सो या दैट वॉज प्रीटी मच, आई एम कुणाल राज एंड कीप लिसनिंग। रोहित बोलना है, ये बोलना है कि सपना, चलो इधर काटेंगे।